अगर आप अपनी नौकरी या तरक्की को लेकर परेशान हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप जो चाहते हैं करने में सक्षम हैं, लेकिन वक्त लगता है, आप उस काम को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, या जब भी काम करने जाते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, अड़चन आ जाती है, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, या फिर जो काम लोगों का 6 महीने में होता है वही काम करने में आपको साल भर लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह और नक्षत्र हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को इफेक्ट करते हैं और उनका असर बहुत ज़्यादा रहता है। इतने पावरफुल ग्रह होते हैं कोई कोई तो, कि आपकी मानसिकता बदल देते हैं, आपको करना कुछ और, आपके दिमाग में कुछ और आपके हाथों तो होता कुछ और है। तो जो मेरा आज का उपाय है वो भी वनस्पति तंत्र का ही है, और वनस्पति तो अपने आप में इतनी शक्ति समेटे है कि अगर आस्था के साथ, विश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करते हो, इच्छा शक्ति के साथ, अपनी इच्छा शक्ति जगाकर आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य में आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। आप असफल नहीं हो सकते हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति है करने की तो आप जरूर कर सकते हो कुछ भी। वनस्पति का तो इतना महत्व है कि अगर आप यंत्र बनाओगे तो उसमें किस पेड़ की लकड़ी से यंत्र बनाना है, और किस स्याही से, किस चीज़ के रस से, किस चीज़ के फूल से यंत्र बनाना है, ये होता है। और अगर आप तंत्र करते हो तो उसमें भी आपको वनस्पति का किस, उससे हवन करना, किस पेड़ की लकड़ी से हवन करोगे, किस चीज़ से हवन करोगे, वनस्पति हर जगह ही इस्तेमाल की जाती है। बिना वनस्पति के तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी का कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र काम करता है। तो मेरा जो भी है मेरे गुरुजी का दिया हुआ है, और ये वनस्पति से ही है। वो तो छोटे छोटे एक लौंग से इतनी बड़ी बड़ी दवा बना लेते थे कभी टाइम पे, कि शायद आज के टाइम पे डॉक्टर भी ना बना पाए, साइंस भी ना बना पाए, जो चीज़ वो करे हैं कभी। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि हाँ ये काम कितना सरल और कितना अच्छा है। तो बता रही हूँ जो उपाय मैं, ये उपाय आप ज़रूर अपनाएं, आप देखेंगे कि इस वनस्पति तंत्र के एक छोटे से टोटके से आपकी किस्मत कैसे करवट लेती है, कैसे पलट जाती है तकदीर एक छोटे से काम से सिर्फ। और नवरात्रि चल रही है और नवमी के दिन का टोटका है, तो दुर्गा नवमी के दिन आपको ये करना है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी टाइम ये वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूं। अगर आप तक ये मिल जाता है तो आप ये नवमी के दिन उपाय ज़रूर अपनाएं, आप देखेंगे कि आपकी मानसिक परेशानियों से कैसे आपको मुक्ति मिलती है, और आपको आपके कामों में आती हुई बाधा अड़चने कैसे एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। आप कोई भी कार्य करने में मन नहीं लग रहा था, साल भर लग रहा था, वही काम जल्दी हो जाएगा, आपका मन लगने लगेगा और आप कार्य को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो जो मेरा आज का उपाय है वनस्पति तंत्र का, वो ये है कि नवमी के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और उसके एक दिन पहले, नवमी के एक दिन पहले अष्टमी की रात को अपने घर में 9 मीठा पान लगवा कर ला कर आप रख लें। 9 मीठे पान हो और 9 गुड़हल के फूल की माला हो, हर माला में 108 फूल हो गुड़हल का, ये जरूर ध्यान रखें कि 108 फूलों की 9 माला हो, गुड़हल के फूल की माला होनी चाहिए। ये दोनों आप नवमी के दिन 9 मीठे पान और 9 गुड़हल की माला लेकर सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ होकर दुर्गा माँ के मंदिर में चले जाएं, और अपनी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनको बोलते हुए, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने की माँ से प्रार्थना करते हुए आप इन फूलों की माला को और मीठे पान को अर्पित कर दें, माँ को भोग लगा दें पान का और माला माँ को अर्पित कर दें। उसके बाद जब आप वहाँ से उठें तो उन पान को, जो आपके पान हैं उनको उठा लें, आप 9 के 9 पान हाथ में ले लें और पीछे ना मुड़ें, दुर्गा माँ की तरफ ही मुंह करे रहें, उनकी तरफ पीठ ना करें, और पीछे की तरफ चलते चलते धीरे धीरे आप मंदिर से नीचे आ जाएं, बाहर आ जाएं। दुर्गा माँ को पीठ नहीं दिखाना है, ये कार्य जब तक आप कर रहे हैं तो आपका मुंह दुर्गा माँ के सामने ही होना चाहिए। उसके बाद वो आप मंदिर के बाहर आ जाएं, 9 मीठे पान लेकर, और माला चढ़ी रहने दें माता रानी को, और वो 9 पान आप 9 कन्याओं को खिला दें बाहर आकर। 9 कन्याएं जहाँ भी मिलें आपको, उन कन्याओं को वो पान खिलाकर उनके पैर पड़े और उनसे आशीर्वाद लें कि हमारी परेशानी खत्म हो, मन में ऐसी आशा रखें, और उन लड़कियों को बोलें कि हमारे सर पे हाथ रख दो। इतना अगर आप कर लेते हैं और वो लड़कियां आपके सर पे हाथ रखती हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिक परेशानी खत्म हो गई है, आपका वक्त खुद बदल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कहने को तो ये एक टोटका है, लेकिन ये वनस्पति तंत्र का इतना बड़ा
असरकारी टोटका है कि आप अगर इसको करते हैं तो इसका फल आपको अगले 9 दिन के अंदर ही मिलना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।